हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आटा और चने के दाल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसको हम अपना देसी भाषा में फकोसा बोलते हैं, कुछ लोग इसको फरे भी बोलते हैं। वो आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, उसको भिगो धो के भिगो दिया है। और जब ये 2 घंटे इसको हो गए हैं भीगे हुए, और दाल हमारी फूल गई है, इसके लिए हमें 4-6 जवे लहसुन के और 3-4 काली मिर्च, वो मैं इसके अंदर मिला के इसको मिक्सी के जार में दरदरा पीस लिया है। महीन नहीं पीसना है, केवल दरदरा पीसना है। और ये फ्रंट पीस गया है। इसके बाद में इसको एक बाउल में निकाल के इसके अंदर नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए फ्रेंड मैंने आटा गूंदा है। आटा हमारा वही सिंपल जैसे रोटी का आटा होता है, इसी तरीके से गूंदा गया। बस थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके अंदर मैंने, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट के छोटी छोटी पूड़ी सी बना ली है। और बनाने के बाद में इसको मैंने रख के, और इसके अंदर 1-1 चम्मच ये जो मैंने बनाया है बैटर, इसको डाल दिया है। और डालने के बाद में इसको फोल्ड कर दिया है गुजिया की तरह। अब हमने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाई है, उसके अंदर पानी डाल दिया है 2 ग्लास पानी। जब हमारा बॉयल हो गया अच्छी तरीके से, तो उसके अंदर हम इसको 1-1 करके डालेंगे। इकट्ठा नहीं डालना है, 2-2, 4-4 करके डालेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो उसके बाद में फिर और डाल देंगे। और इसको हम चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे कि इसमें जो अंदर चने की दाल है वो आराम से अच्छे से पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड, ये बॉयल हो चुके हैं। इसकी पहचान ये है कि हम एक फरा निकाल के और इसको इसके अंदर चाकू डाल के देख लेंगे। चाकू हमारा बिल्कुल चिकना निकल आएगा, तो समझ गए फरा हमारा पक गया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और काटने के बाद में एक तवा चढ़ा के तवे के ऊपर चिकनी डाली है। चिकनी गर्म हो गई तो 1-1 करके मैंने इसको सेक लिया है। फ्रेंड इसको डीप फ्राई नहीं किया है, बाकी डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बस उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डीप फ्राई नहीं किया है। तवे पे ही चिकनी लगा के मैंने इसको उल्टा पलटा करके सेक लिया है। और इसके साथ मैंने करी के पत्ते की चटनी बनाई है। और ये फ्रेंड हमारे तैयार हो गए हैं। टेस्ट करिए, अच्छा लगे तो ज़रूर बनाइएगा।